ऑलराइट, तो देखो गाइस, ये है हमारे माइनक्राफ्ट का एक प्यारा सा विलेज। लेकिन आज रात इस विलेज पे हमला होने वाला है, वो भी पूरे के पूरे 1000 ज़ॉम्बीज का। और ये टट्टी का बच्चा इस विलेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इस विलेज का पप्पा यानी मैं 1000 ज़ॉम्बीज के हमले से बचाने के लिए इस विलेज के चारों तरफ माइनक्राफ्ट के बेस्ट डिफेंस हैक्स लगाने वाला हूं। तो देखते हैं एंड में ये विलेज बचेगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये है अपना प्यारा सा पुचकू सा छुटकू सा विलेज। वैसे तो मैं हमेशा इसकी लूट के पीछे पड़ा रहता हूं, लेकिन आज इसको बचाना पड़ेगा। अरे यार, क्या क्या करना पड़ रहा है। ओके, तो डिफेंस में हम लोग को सबसे पहले एक तगड़ा सा फेंस बनाना पड़ेगा ताकि ज़ॉम्बीज उसको क्रॉस ना कर पाए। लेकिन फेंस बनाने से पहले सबसे पहले मेरे को इस विलेज के चारों तरफ एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसी बाउंड्री के ऊपर अपने फेंस लगने हैं। तो एकदम फटाक से स्टोन का यूज करके चारों तरफ विलेज के बाउंड्री बना देता हूँ। और ये स्टोन के ऊपर ही मैं आयरन बार्स भी लगा रहा हूँ, क्योंकि अपने को एकदम जाइंट वाली फेंसेज चाहिए। वैसे मैं आयरन बार्स इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से छोटा वाला ज़ॉम्बी भी ना निकल पाए। ऑलराइट, तो मैंने विलेज को चारों तरफ से फेंसेज से कवर कर दिया है। और इसको ज़ॉम्बी तो क्या, ज़ॉम्बी का फुफ्फा भी आ जाए वो भी पार ना कर पाएगा। तो अभी विलेज काफी सेफ लग रहा है। और अभी यहाँ जो खाली जगह दिख रही है, मेरे को यहाँ पर कुछ डिफेंस एक्स की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ एकदम तगड़े वाले ट्रैप। और ऐसे ट्रैप्स किसी ने सोची ना होगी। तो गाइस, मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रैप्स की जरूरत है जो ज़ॉम्बीज को बस रोके ही ना, इनफैक्ट उनको अच्छा खासा डैमेज भी दे दे। तो इस चीज के लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरा ट्रैप जमीन के अंदर बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड्ढाबाजी करनी होगी। और मैंने सोचा है जब ज़ॉम्बीज यहाँ पर आके गिरेंगे तो उनको डैमेज देने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर ड्रिपस्टोन। क्योंकि सबको पता है ड्रिपस्टोन जब पीछे जाता है तो बहुत दर्द होता है। तो इधर सारे में मैंने नीचे ड्रिपस्टोन ही ड्रिपस्टोन बिछा दिए। ज़ॉम्बीज एकदम नीचे टुपुक हो जाए तो यहाँ पर ट्रैपडोर की भी जरूरत है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल और कम सा नहीं लग रहा। वेट अ सेकंड, मेरे को इसको और ज्यादा खतरनाक बनाना पड़ेगा। तो कैसा होगा अगर ज़ॉम्बीज इसके पास आएंगे और उनका आते ही फ्राइड चिकन बन जाएगा। हाँ, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाने वाला हूँ सोल सैंड। और अब इसके चारों तरफ मेरे को आग लगा देनी है। वैसे मैं यहाँ पर सोल फायर का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोल फायर का डैमेज नॉर्मल फायर से ज्यादा होता है। अभी लग रहा है ना कुछ बढ़िया सा। ज़ॉम्बीज इसके पास आते एक तो जल जाएंगे, और जैसे तैसे कोई पार भी कर लेगा तो वो सीधा ट्रैप में जाके गिर जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखो मैंने अभी डिफेंस के लिए थोड़ी बहुत चीजें लगा दी हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज पे अटैक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कितना ही मार लूंगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो देखी और इसमें देखो भाई, ये कितना बढ़िया वाला अटैक कर रहा है। ज़ॉम्बीज की चटनी बना रखी है इसने। तो चलो हम भी बनाते हैं अपने डिफेंस पेज में ये वाला लाइफ है। तो एक टावर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक स्टोन का यूज कर रहा हूँ। इसके चारों तरफ सोल सैंड लगा के मैं इसके अंदर पूरे 24 के 24 स्नो गोलम भर दे रहा हूँ। तो अब ये बन चुका है मेरा अल्टीमेट अटैकिंग टावर, और ये टावर एकदम तगड़ी वाली ज़ॉम्बीज पे बरसात करेगा। वेट अ सेकंड, अगर ये टावर ने कुछ किया ही नहीं और ये अगर काम नहीं कर रहा होगा तो नहीं नहीं भाई, रिक्स नहीं ले सकता मैं। यहाँ पे थोड़े से ज़ॉम्बीज स्पॉन करता हूँ। ओ भाई साहब, क्या ही तड़तड़ तड़तड़ मार रहा है भाई ज़ॉम्बीज को, मजा आ गया देख के। ओके, तो ये टावर बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। लेकिन ये पिद्दू से ज़ॉम्बी उस टावर के पास जा चुका है, तो ये आगे दिक्कत ना दे इसलिए मैं यहाँ पर थोड़े से डिस्पेंसर लगा रहा हूँ। इससे थोड़ा अटैक भी बढ़ जाएगा और अपना टावर भी एकदम प्रोटेक्ट रहेगा। तो ये टावर काफी तगड़ा है, इसलिए अपने को एक और बनाने की जरूरत है। और ये देखो, इसके पास ज़ॉम्बीज आती है, मस्त मस्त तीर छोड़ेगा। और ये एरो मैंने अब दोनों टावर्स में लगा दिए हैं। ओके, नाउ विलेज के पास से तो थोड़ा सेफ लग रहा है, लेकिन अभी बाहर पूरा खाली पड़ा है। तो अब बारी है डिफेंस के सेकंड लेयर्स की। वेल, ज़ॉम्बीज मेरे ज्यादा पास ना आ जाएं, इसलिए उनको ब्लॉक करने के लिए मैं यहाँ पर सैंड और कैक्टस का यूज कर सकता हूँ। वेट, ज़ॉम्बी इनके बीच में से ना आ जाए तो मेरे को इन्हें डायगोनली लगाना पड़ेगा। ओके, तो ज़ॉम्बीज यहाँ पर आएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएंगे और हो सकता है डैमेज खा के मर भी जाए। बट वेट, मेरे को पीछे एक प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि पिछले वाले टावर्स पे बैठे इतने से स्नो गोलम 1000 ज़ॉम्बीज का तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है आगे भी दो टावर्स और बना दिए जाए। वेल गाइस, दो आगे हैं, दो पीछे हैं। तो हाँ, ये लोग अब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने अपने माइनक्राफ्ट में डाल लिया वर्ल्ड एडिट मोड। तो देखो, ये कुछ ऐसे काम करता है, जैसे मेरे पास है ये ब्लेज रॉड एंड इसको हाथ में लेके मैं जहां पर भी राइट क्लिक करूंगा वहां पर एक लावा आ जाएगा। तो इस मोड से मेरा काम काफी इजी हो जाएगा। और मेरे पास है ट्राइडेंट एंड देन राइट क्लिक करते यहां पर मैग्मा ब्लॉक भी स्पॉन हो जाएंगे। तो हाँ, ये लावा और मैग्मा ब्लॉक काफी बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, तो अगर कोई ज़ॉम्बी इनके पास आता है तो वो भुनी जाएगा। ये बीच की जो खाली जगह है ये बहुत ज्यादा खाली है, ज़ॉम्बीज यहां पर हलवे में कैटवॉक करेंगे, तो इसलिए मेरे को यहां पर भी थोड़ा डेडली बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जगह जगह मैग्मा ब्लॉक बिछा रहा हूँ। ओके, तो इस वीडियो में मैग्मा ब्लॉक के साथ साथ हनी ब्लॉक भी लगाए हैं, तो मैं भी यहाँ पर ये सेम चीज यूज कर सकता हूँ। मैं जगह जगह पर हनी ब्लॉक्स लगा देता हूँ और अब ये ज़ॉम्बीज की स्पीड को बहुत ज्यादा स्लो कर देगा। ऑलराइट, तो मैग्मा ब्लॉक और हनी ब्लॉक लगाने से ये एरिया काफी ज्यादा ट्रैपी लग रहा है। यस यस, ये वर्ड मैंने अभी इन्वेंट करा है। वेट वेट, मैं इस चीज को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता हूँ। यहाँ पर बेरीज के प्लांट लगा देता हूँ ना, इसकी भैंस की डंडी। अब तो ज़ॉम्बीज तो क्या, उनका पूरा खानदान आ जाए तो भी कुछ नहीं उखड़ेगा। तो अभी अपना बेस देखने में पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन अभी इतना इनफ नहीं है भाई कि ये 1000 ज़ॉम्बीज को रोक पाए। देखो, अगर कुछ ज़ॉम्बीज यहाँ तक आ गए ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बस सोल फायर है और सोल फायर को भी कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। तो अभी मेरे को सोल फायर के आसपास कुछ लगाना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सोल फायर के दोनों साइड फेंसेज लगा देता हूँ, कुछ इस तरीके से लगाता हूँ भाई, टेढ़ा वेढ़ा करके। ओके, दोनों साइड लगा दिए हैं एंड अभी ये जो सामने वाला हिस्सा है ना, क्या कर सकता हूँ। ओके, तो फिर से यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करनी पड़ेगी। ये जो मैंने गड्ढा करा है, कैसा हो इसमें अगर मैं भर के पफर फिश डाल दूं। ऑलराइट, तो इसमें भर पेट पफर फिश मैंने डाल दिया है और ज़ॉम्बी इसके पास आते ही पफर फिश उनका भूत बना देंगी। लेकिन एक सेकंड भाई, ये एरिया थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है ना, क्योंकि क्या हुआ अगर कोई ज़ॉम्बी कूद
कूदी मार के उस पार चला गया तो वहाँ पर उसको तो कुछ डैमेज ही नहीं होगा ना। सो या ये डर्ट से अच्छा यहाँ पे थोड़े मैग्मा ब्लॉक्स लगा दिए जाएं। और ये पफर फिश वाले ट्रैप को छुपाने के लिए मैं ऊपर से हरा हरा कवर कर दे रहा हूँ। यस, पता भी नहीं चल रहा है इसके नीचे कुछ ट्रैप लगाया हुआ है। बाकी एकदम और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए इस एरिया में क्या नाम था इसका, कोई नहीं मक्कड़ का जाला लगा देंगे। लेकिन एक सेकंड, मैंने जो इतनी मेहनत करी है ये काम कर भी रही है? इस चीज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर थोड़े से ज़ॉम्बी स्पॉन कर देता हूँ एंड लेट्स सी मेरे ट्रैप्स वर्क करते हैं। यानी छो क्यों नहीं रहे इन्हें? बजेड़ दिया। यस यस, अटैकिंग टावर तो बढ़िया काम कर रहा है एकदम। लेकिन ये बीच में इन लोगों ने ना मारा नहीं था, इन स्नो गोलम्स की रेंज बड़ी कम है। तो बीच का एरिया कवर करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल स्नो गोलम रख देता हूँ। एंड यस, ये मिनी टावर ये बाकी टावर्स की हेल्प कर देगा। हां, ये तो ज़ॉम्बी के साथ ही मर गया। ना, ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पर भी मेरे को बहुत सारे रखने पड़ेंगे। अब भले ज़ॉम्बी बीच में, उसको चारों तरफ से लट्ठा बजेड़ा जाएगा। वेल गाइस, ये वाला एरिया कुछ ज्यादा खाली नहीं लग रहा। ना, मैं ये नहीं हो सकता, अपने को एकदम फुल सिक्योरिटी चाहिए। तो ये वीडियो में डिस्पेंसर फायर चार्ज छोड़ रहे हैं, तो मैं इस चीज को अपने बेस में अप्लाई कर सकता हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर डिस्पेंसर लगा के उनके अंदर एकदम फायर चार्ज भर देना है। ओके, आग के गोले भर चुके हैं, अब इस चीज को फेंकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो इसके पीछे पिस्टन और स्प्रिंग, व्हाट द स्लाइम ब्लॉक लगा देता हूँ। और अपने एकदम 50,000 IQ वाला दिमाग लगा के मेरे को यहाँ पर रेडस्टोन इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। यस, कितनी मेहनत करी है भाई मैंने। तो फाइनली रात हो चुकी है, ज़ॉम्बीज का अटैक होने वाला है। और हाँ, हमारा डिफेंस बेस भी रेडी है ज़ॉम्बीज का कुत्ता फाड़ने के लिए। लेट्स होप हमारा ये बेस ज़ॉम्बीज को रोक दे। और मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा और मेरे पास होगा ये सारे वेपन्स के साथ डेंटन, ये स्नाइपर राइफल। ओके, तो फाइनली ज़ॉम्बीज की पहली वेव आ चुकी है। और ये लो, मैंने इनके मुंह पे मारी टपली। इधर आओ, पप्पा के पास आओ अपने। ओके, इनको मेरी लोकेशन पता चल चुकी है और ये सारे भाग के आ रहे हैं। ऑल राइट, तो ये ज़ॉम्बीज की पहली वेव है तो इसलिए अभी थोड़े कम आए हैं। एंड मेरा लावा वाला डिफेंस अच्छे से काम कर रहा है। और ये जो अटैकिंग टावर है भाई, ये भी मस्त मस्त स्नो बॉल फेंक के मार रहे हैं, इनका तो कुत्ता फाड़ रखा है इनने। ये ज़ॉम्बीज अभी तक पहली लेयर कोई नहीं पार कर पाए, तो भाई ये तो मेरा डिफेंस काफी ज्यादा तगड़ा हो गया है। वेट, कुछ ज़ॉम्बीज पार करके आने लग गए भाई। ये कैक्टस को छोटे बच्चे आज नहीं आते, जरा इसी जगह से निकल आएंगे। मेरी अटैकिंग टावर के पीछे बढ़ गए इनकी, तो तुम्हारी भैंस की डंडी। ओके, तो सेकंड वेव आ चुकी है इनकी। और लो भैया, इस बार तो पूरा खानदान क्या पूरा गांव उठा के लिया ये लोग। कितनी सारी फसल है इनकी। वेट, ओ नहीं, भाई कितने सारे आ गए मेरे नीचे। अबे नहीं यार, ये लोग तो क्रॉस करके काफी आगे तक आ चुके हैं। ये चेस्ट मेरी बंदूक निकाल वे। देखो, सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हैवी राइफल है मेरे हाथ में। तुम लोग नहीं मान रहे ना, तुमको पट से हेडशॉट दिखाना पड़ेगा। लेपट से। और स्नो गोलम्स तो भाई क्या तगड़ा काम कर रहे हैं, एकदम तबला तोड़ता भाई मचा रखे इन लोगों ने। फाइनली भाई, मेरे नीचे कितने सारे थे, बहुत सारे खत्म हो गए इनमें से। लिटरली मेरे को लगा था एक सेकंड के लिए कि भाई ये लोग तो विलेज तक पहुंच ही जाएंगे, लेकिन अभी मेरा डिफेंस काम कर रहा है। अबे और कितने हैं, आए ही जा रहे, खत्म ही नहीं होके दे रहे। अरे बाप रे, डिस्पेंसर ने तो आग फूक के इनका कुत्ता बना रखा है। वेट व्हाट, ये लोग फर्स्ट लेयर को भी पार नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, भाई वहां पे आग देखो कितनी लग चुकी है, वो जो फायर चार्ज सारे में आग लगा दी उसने। ऑल राइट, तो भाई अभी बस एक लास्ट ज़ॉम्बी बचा है। मैं मरूंगा। गिलेबड़ा पट से हेडशॉट। अब ये कौन कमेंट कर रहा है कि ये बॉडी शॉट था? बॉडी शॉट बोलोगे इसे? तो मैं दूं हेडशॉट। तो फाइनली ये विलेज ज़ॉम्बी से तो सेफ हो चुका है। ओ पोपलू, तूने अपना हॉलीडे होमवर्क कर लिया? नहीं भैया, अभी बाद में कर लूंगा। होमवर्क नहीं करा ना तूने? रुको जरा, तुम ज़ॉम्बी से तो बच गए लेकिन मेरे से ना बच पाओगे। ओके गाइस, तो फाइनली हमने ज़ॉम्बीज से विलेज को बचा लिया है, लेकिन मेरे से ना बच पाया। एनीवेज, ये वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। और तुम लोग लाइक करो, अभी लाइक का बटन दिख रहा है ना, दबाओ उसे, अभी दबाओ। अच्छे बच्चे, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।